आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे घर पर बेकार पड़ी हुई प्लास्टिक की बोतलों में हम आसानी से टमाटर उगा सकते हैं। इसके लिए हमें बड़ी प्लास्टिक की बोतलें चाहिए होंगी। कटर की हेल्प से हम बोतल का नीचे का पार्ट काट लेंगे। बोतल को धागे से बांधने के लिए हम किसी गर्म चीज से दो छेद बना लेंगे। हम अपनी सारी बोतलों में ऐसे ही नीचे दो छेद बना लेंगे। बोतल को लटकाने के लिए, हैंग करने के लिए हम धागा ले लेंगे। धागे को छेद में डालकर हम गांठ लगा देंगे उसमें, जिससे कि वो वापस बाहर ना आ पाए। धागे को खींच के हम चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर ये बाद में खुल गया तो हमारा प्लान भी टूट सकता है। अब हम एक चकोर शेप का कपड़ा ले लेंगे, उसमें बीच में हम छेद बना लेंगे और एक साइड से उसे काट लेंगे। अब हम टमाटर का एक पौधा ले लेंगे, 25 से 30 दिन का एक पौधा आप ले लीजिए। प्लांट में जितनी भी नीचे पत्तियां हैं उन्हें हम हटा देंगे। टमाटर की डंडी में जो आपको ये रेशे दिख रहे हैं, ये बाद में जाके ये जड़ बन जाएंगी, तो हम टमाटर को गहरा लगाएंगे। कपड़े को जड़ों के ऊपर अच्छे से हम बिठा देंगे। पौधा अगर आपका बड़ा है तो आप ऊपर की कुछ पत्तियां हटा सकते हैं। अब हम पौधे को नीचे से डालकर ऊपर से निकाल लेंगे। धीरे धीरे पत्तियों को आप खींच सकते हैं, आराम से पौधा ऊपर आ जाएगा। मिट्टी के मिक्स के लिए हमें 50% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लेनी है और 50% घर की हमें मिट्टी लेनी है। दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब धीरे धीरे हम बोतल को मिट्टी से भर लेंगे। मिट्टी और बोतल में जो ऊपर का पार्ट है उसमें करीब 1 इंच का आप गैप रखिए, जिससे अच्छे से इसमें हम पानी दे सकेंगे बाद में। ऐसे हमने दोनों बोतलों को तैयार कर लिया है। अब हम अच्छे से इनमें पानी दे देंगे। पानी देने के बाद 2 से 3 दिन हम इन्हें छांव में रखेंगे, उसके बाद हम इन्हें धूप में रख देंगे। जब भी आपको मिट्टी सूखी हुई लगे आप उसमें पानी दे दीजिए। अच्छे से हमें पानी देना है, नीचे से, जब तक पानी निकलने ना लगे। हर 10 से 12 दिन के बाद हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इसमें ऊपर से मिला देंगे। इससे हमारा जो प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। पौधे लगाने के 35 से 40 दिन के बाद हमारे पौधों में टमाटर लगने लगेंगे। ऐसे ही आप घर की जितनी भी खराब बोतल हैं, वेस्ट बोतल हैं, उनमें प्लांट्स लगा सकते हैं। जितनी बड़ी बोतल होगी उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा।
अब जो हमारे टमाटर लगे हुए हैं वो लाल होना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब वो हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे जैसे टमाटर लाल होते जाएं आप उन्हें तोड़ते जाएं, वरना वो प्लांट पे लगे लगे खराब भी हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।